कियारा मैम, मारफतिया जी से बात हो गई है मेरी. US का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका प्रेजेंटेशन ढंग का होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज घर का काम. अरे बहुत तैयारी पड़ी है, ऑफिस का काम प्लीज बाद में कर लेना. मैंने दो कियारा मैम से बात कर रहा हूं. हां तो मैं बात कर लेती हूं. हां कियारा. या हाय वंदना जी. एक्चुअली ना घर में दो दिन में शादी है, तो राज को बहुत काम करना है, इसलिए राज ऑफिस नहीं आ पाएंगे. हां ओके ओके बाय. थैंक यू बाय बाय. मिस्टर वागले के घर में शादी? किसकी शादी हो रही है राज? तुम्हें याद है ना प्रभाकर काका, उनकी बेटी तुम्हारी बहन अर्चना, उसकी शादी है हमारे घर में दो दिन में. हाँ पहले वो शादी नासिक होने वाली थी और हम सब नासिक जाने वाले थे, लेकिन अब वो लोग यहाँ आ रहे हैं शादी के लिए. तो याद है? हाँ हाँ, चार घंटे पहले बात हुई मेरी प्रभाकर काका से. I'm so sorry. बहुत टेंशन में लग रहे थे. मैंने कहा उनसे कि अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ, मेरे घर को अपना घर मान लीजिए. और उन्होंने मान लिया है और वो शादी का सारा सामान नासिक से लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं. माँ पापा उन्हें लेकर बस आ ही रहे होंगे. संभाल के संभाल के संभाल के लेके जा. संभाल के आराम से. आइए आइए आइए. संभाल राजू. अरे आइए काका आइए. देवा 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 भाई, आपको तो पता ही है दो दिन बाद नासिक में मेरे घर से अर्चना की शादी होने वाली थी. और आज सुबह संदीप जी ने जोर देकर कहा कि अब ये शादी मुंबई में करनी पड़ेगी. जैसे तैसे सारा सामान इकट्ठा करके लाए हैं यहाँ पर. तो इनके और आप लोगों के भरोसे. इनका और हमारा भरोसा रखो, बाबा का आशीर्वाद है, वागले का घर है, अर्चना की शादी बड़ी धूमधाम से होगी. क्यों प्रभाकर भाऊजी, चिंता मत कीजिए, अर्चना की शादी धूमधाम से होगी. अर्चना दाई कहाँ है? हाँ कहाँ है मेरी सुपर एफिशिएंट हमेशा मुस्कुराने वाली ननद. अर्चना का मंगेतर भी साथ में आया है हेल्प करने के लिए. बड़ा ही अच्छा लड़का है. वो दोनों साथ में और कुछ सामान लाने के लिए गए, आते ही होंगे. 8th फ्लोर ही है ना? हाँ. दादा. दादा. ओ हेलो मैडम. विवेक. हाँ विवेक, इस घर में और वागले परिवार में तुम्हारा भी स्वागत है. आओ कम कम कम. आओ 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 आओ. काकी. अरे खुश रहो खुश रहो. काका. जीती रहो जीती रहो. विवेक रख दो. दादा इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे होगा? होगा. डोंट वरी, मैं हूँ. है ना, सब मैनेज करेंगे. डोंट वरी. कल रात में विवेक की माँ के पैर में फ्रैक्चर हो गया. अब वो तो नासिक आ नहीं सकती थी, और इकलौते बेटे की शादी बिना माँ के कैसे होगी? इसीलिए पापा ने यही सलूशन दिया कि शादी मुंबई में ही रखते हैं. और मैं सुबह नासिक भी गया था, और जितना हो सका मैंने उतनी सबकी मदद भी की. अर्चना वो भाभी वो बहुत थक गई हूँ एक्चुअली. अब फ्रेश होके. हाँ सखी. हाँ. अर्चना को अपने रूम में ले जाओ ना, वहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेना. जा. विवेक इतने कम समय में शादी की सारी तैयारियां इतने बड़े पैमाने पर करना बहुत मुश्किल है. तो तुम्हारे मम्मी पापा को सिंपल शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? I hope there's no issue. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.